इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल को पूरी तरह से समर्थन देकर जीतने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा मांडू प्रखंड कमेटी की बैठक जेएमएम प्रखंड कार्यालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष नरेश हांसदा और संचालन प्रखंड सचिव सुरेश चंद्र पटेल ने किया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय सदस्य राजकुमार महतो, जिला अध्यक्ष विनोद किस्को, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल की पत्नी ललिता देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है और इस बार गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल को समर्थन देकर जिताने पर विचार विमर्श किया गया ताकि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके, जिसमें दो बोल अपना बेटा को किसी तरह पाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति का एक बैठक बुलाई गई है जिसमें मांडू प्रखंड के सभी पंचायत के लगभग अध्यक्ष सचिव और पदाधिकारी, प्रखंड के सभी सम्मानित पार्टी के सिपाही, इंडिया गठबंधन के मांडू विधानसभा के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल के धर्मपत्नी ललिता देवी यहां पर उपस्थित होकर आज इस चुनाव को जीत सुनिश्चित करने के लिए इस सभी पदाधिकारी को जवाबदेही दी जा रही है। निश्चित रूप से जयप्रकाश भाई को जीतना सुनिश्चित है और हमें इस राज्य के लोकप्रिय हमारे इस आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आने वाला दिन में, आने वाला 2024 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने पूरे जोर शोर के साथ में हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं। हमारे लोकप्रिय हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित जो प्रत्याशी माननीय जयप्रकाश भाई पटेल को भारी वोट से जिताने के लिए आज का बैठक में सभी लोगों ने विचार किया जा रहा है और ये मांडू विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत सीट था और अब की 2024 में जो है कि इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित कांग्रेस पार्टी से इस विधानसभा का प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया गया है और इस जयप्रकाश भाई पटेल को झारखंड मुक्ति मोर्चा